यूपी के बुलंदशहर में बाइक सवार तीन बदमाशों ने गैस एजेंसी के मैनेजर से 5,67,000 रुपए लूट लिए। बदमाशों ने मैनेजर से तमंचे के बल पर लूटपाट की और फरार हो गए। भागते समय बदमाशों की वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों को पकड़ने के प्रयास में जुटी है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सब यही है, तो वीडियो फिल्म उसकी हुई है, मतलब कैमरे से उनको बदमाशों को देख लिया गया है। तीन लोग थे और दो लोगों ने साफा पहन रखा था वाइट कलर का, सफ़ेद शर्ट थी, और जो मोटरसाइकिल चला रहा था उसने ब्लैक हेलमेट पहन रखा था और लाल रंग की हाफ शर्ट पहन रखी थी, गुलाबी रंग की हाफ शर्ट पहन रखी थी। अक्सर आज बुलंदशहर नगर में लूट हुई है, कितने की लूट है और सर क्या पूरा मामला है? 5,67,000 का, जैसे तिरुपति गैस एजेंसी का सर्वेंट है, वो संडे का, वो सैटरडे संडे का उनका कितना कलेक्ट हुई वो पैसा लेकर के बैंक में जमा करने के लिए जा रहा था। तीन लोग ऐसे मोटरसाइकिल में आकर के इनका रुक करके इनसे बहुत स्नैच करके गए थे, बैग से बैग में पैसा था वो स्नैच करके गए थे। अभी मैं बात करके आ रहा हूँ, ओवर एंग्जियस ऐसे, इसमें कोई फायर नहीं हो गई, इनका कोई चोट नहीं है, ऐसे ही चिन करके गए थे पैसा, इनसे बात करके आ रहा है। अभी हम इसका देख रहे हैं, इसी एरिया में 2-3 सीसीटीवी कैमरा है, उसमें फुटेज भी मिल रहा है, उसका पूरी चेक करके जल्दी वर्कआउट करेंगे, मुलजिम का जेल भेजेंगे। देवरिया के गांव रोपन छपरा में गाय के गोबर को उठाने के लिए हुए झगड़े में 15 साल की लड़की को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। पिटाई के दौरान लड़की के कपड़े फाड़े गए, वहीं पिटाई के बाद लड़की को मृत समझकर हमलावर लड़की को छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल लड़की का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। मुरैना के कैलारस में उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली जा पलटी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 30 लोग घायल हुए हैं। वहीं घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए कैलारस के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। मैं विनोद कुमार शर्मा, मैं जब कोट क्षेत्रा से आ रहा था तलौंजरी के पास, मैंने देखा कि ट्रैक्टर पलटा हुआ है, ट्रॉली भी पलटी हुई है, जिसमें 30 से 40 लोगों की आशंका मैंने जताई और तुरंत तो उसको लोग बाग इकट्ठे किए और ट्रॉली उठवाई। वहां पे देखा कि 2 लोग एक्सपायर हो गए हैं, माने ख़त्म हो चुके हैं, और 30-40 लोग घायल हैं। तो तुरंत मैंने विधायक जोरा को फ़ोन लगाया भोपाल के लिए, उन्होंने बोला कि अपना वाहन तुरंत बुक करो और अगर एम्बुलेंस या 100 नंबर नहीं आ पा रही है तो अपनी वाहन से उनको पहुंचाओ। तो कैलारस हॉस्पिटल में मैंने तुरंत उनको पहुंचाया और कुछ समय बाद 100 नंबर भी और 108 भी पहुंच गई थी। तो उनमें और कुछ अपने प्राइवेट, कितने लोग घायल हैं? 30 लोग घायल हैं और उसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जी बिल्कुल, मैंने तुरंत अर्जित कराया विधायक साहब के कहने पर और तुरंत मैं लेके आया उनको। घायलों का उपचार कैलारस हॉस्पिटल में चल रहा है।